Assalamu alaikum, dear students. Welcome to botany class. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो important topic है and that topic is called as nucleosome concept. Nucleosome concept. What is nucleosome? देखिए न्यूक्लियोसोम को समझने के लिए जो बुनियादी हम पहले सवाल पूछेंगे वो ये है कि हमने डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा. हमने पढ़ा कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो काफी लेंथ में उसकी होती है, वो डबल स्टैंडर्ड होता है, हेलिकल फॉर्म में होता है. और डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ जो होती है अगर हम ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करें तो एक नॉर्मल यूकेरियोटिक सेल जो होती है उसके न्यूक्लियस में अगर हम एक डीएनए मॉलिक्यूल को लें तो उस डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ जो होती है दैट कम्स अराउंड 2.2 meters. 2.2 meters एक एवरेज यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में डीएनए की लेंथ होती है. जब हम न्यूक्लियस को देखते हैं, न्यूक्लियस जो सेल के अंदर होता है उसके अंदर काफी जो है बहुत कम जगह होती है, बहुत कम वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का. 10^-6 meters अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो न्यूक्लियस जो इतना छोटा होता है उसके अंदर 2.2 मीटर का डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो कैसे पैक होता है. एक्चुअली इसमें क्या मैकेनिज्म है कि एक छोटे से सब माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर जिसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है उसके अंदर 2.2 मीटर डीएनए जो है वो उसके अंदर फिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. तो जब इस चीज को देखा गया, इसके जवाब को ढूंढा गया तो ये देखा गया कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की शक्ल में मौजूद होते हैं. और जब क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देखा गया तो वहां पर यह देखा गया कि इन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए जो होता है वो हाईली कॉइल्ड फॉर्म में होता है. प्रोटीन्स की मदद से, देयर आर प्रोटीन्स राइट, उन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाईली कॉइल्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं. और कॉइल्ड फॉर्म में मौजूद होने की वजह से लंबा जो डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ इतनी होती है वो डीएनए मॉलिक्यूल कॉइलिंग की वजह से इतना कंडेंस हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि वो फिर क्रोमोसोम की शक्ल में न्यूक्लियस के अंदर आराम से फिट हो जाता है, पहुंच जाता है, वहां पर आ जाता है. तो इसी कॉइलिंग को समझने के लिए कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो इन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द कैसे कॉइल्ड फॉर्म में मौजूद है और कैसे ये कॉइलिंग की वजह से डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है और तब जाकर वो न्यूक्लियस में आ जाते हैं, इसी को समझने के लिए कॉन्सेप्ट जो दिया गया दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट. नाउ न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट जो है जब हम पढ़ते हैं सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है. हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस नहीं होता है जिस तरह से यूकेरियोटिक सेल्स में होता है. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है. इन सेल्स का डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है. लेकिन हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ नहीं होता है, बल्कि इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी न्यूक्लियस की एब्सेंस के बावजूद भी इनका डीएनए जो है वो एक ही जगह पर मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ ए न्यूक्लियोइड. उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ए न्यूक्लियोइड. व्हाट इज दिस न्यूक्लियोइड? दिस न्यूक्लियोइड इज डीएनए प्लस प्रोटीन्स. प्रोकैरियोट्स में यह देखा गया है कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो भी प्रोटीन्स के इर्द गिर्द थोड़ा थोड़ा कॉइल्ड फॉर्म में मौजूद होता है, लेकिन ये कॉइलिंग उतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है जितना कि ये क्रोमोसोम का शक्ल जो है वो इख्तियार कर सके. तो न्यूक्लियोइड जो है वो बेसिकली कॉइल्ड डीएनए तो मौजूद होता है,
प्रोटीन्स के इर्द गिर्द प्रोकैरियोट्स में, लेकिन इस ये न्यूक्लियोइड जो है ये पूरी तरह क्रोमोसोम फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए हम इसको पूरी तरह क्रोमोसोम नहीं कहते हैं, बट इट कैन बी कॉल्ड एज प्रो क्रोमोसोम। प्रो मीन्स पहले क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम के आने से पहले वाला जो स्ट्रक्चर था क्रोमोसोम्स की असल शक्ल, तो उसको हम कहते हैं प्रो क्रोमोसोम, क्योंकि इवोल्यूशनरी हिसाब से प्रोकैरियोट्स जो है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म्स। तो प्रोकैरियोट्स में भी डीएनए कॉइल्ड फॉर्म में होता है मौजूद उनके सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन वो कॉइलिंग उतनी ज्यादा नहीं होती है, एंड दैट कॉइलिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन्स। सो दैट कॉइल्ड डीएनए अलॉन्ग विद प्रोटीन्स इन प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड और इट कैन बी कॉल्ड एज प्रोक्रोमोसोम। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट यूकैरियोट्स, नाउ यूकैरियोट्स जो होते हैं, चूंकि ये काफी एडवांस्ड सेल्स होती हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है, तो यूकैरियोट्स में डीएनए जो होता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की शक्ल में, उसमें कॉइलिंग जो होती है वो खासी कॉम्प्लेक्स होती है। देयर इज अ कॉम्प्लेक्स कॉइलिंग इन यूकैरियोट्स, और जो बेसिकली न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो हम इन्हीं यूकैरियोट्स में पढ़ते हैं। जब हम यूकैरियोट्स में ये देखते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल, राइट, यूकैरियोट्स में डीएनए मॉलिक्यूल जब हम देखते हैं, ये डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है ये कॉइल्ड क्रोमोसोम्स की शक्ल में प्रेजेंट होता है, और क्रोमोसोम की शक्ल में ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। नाउ अब हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट यूकैरियोट्स में, कि यूकैरियोट्स में कैसे ये डीएनए प्रोटीन्स की मदद से कॉइल्ड फॉर्म में मौजूद होता है, और कैसे ये डीएनए कॉइलिंग की वजह से क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और फिर ये न्यूक्लियस के अंदर समा जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, जब यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स को स्टडी किया गया माइक्रो लेवल पर, उनको खोलकर, तो ये देखा गया कि जो डीएनए है यूकैरियोट्स में वो कुछ, उसको क्रोमोसोम से जब खोला गया, जब क्रोमोसोम्स को खोला गया, तो ये डीएनए जो है ये कुछ इस तरह से नजर आते थे। दिखने में ये क्रोमोसोम्स, जब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के क्रोमोसोम्स खोले गए, तो जब खोलकर देखा गया इन क्रोमोसोम्स में, तो वहां डीएनए और प्रोटीन्स कुछ इस तरह से नजर आते थे। लगता था जैसे एक छोटी सी रस्सी है जिसको स्ट्रिंग हम कह सकते हैं, और उसमें एक बॉल जो है बीच बीच में नजर आती थी, यहां थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रिंग, फिर बॉल नजर आती थी, फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिर बॉल नजर आती थी, इसी तरह से स्ट्रिंग और बॉल्स जो है वो नजर आते थे। इसको कहा गया बॉल्स ऑन ए स्ट्रिंग, इसको कहा गया बॉल्स ऑन ए स्ट्रिंग। बॉल्स ऑन ए स्ट्रिंग जो है कॉमनली अगर हम देखें, हमारे पास तस्बी होती है, राइट, तस्बी जो हम नमाज के बाद इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी आप देखें कि उसमें भी छोटी छोटी बॉल्स होती हैं और एक धागा होता है, उन धागे के ऊपर ये छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, तो बज़ाहिर ये तस्बीह की तरह नजर आते हैं ये डीएनए और प्रोटीन्स, जब हम इनको क्रोमोसोम्स को खोल कर देखते हैं। अब हमारे पास ये सवाल था कि चलो भाई, ये तो माना कि ये जो धागा है ये तो डीएनए है, लेकिन ये जो बॉल्स हैं ये क्या है, व्हाट आर दीज बॉल्स। तो जब मजीद इनका बॉल्स का केमिकल स्ट्रक्चर देखा गया, राइट, तो इन्हीं बॉल्स को नाम जो दिया गया न्यूक्लियोसोम, इन्हीं को दिया गया, इन्हीं बॉल्स को न्यूक्लियोसोम जो है वो इनको नाम दिया गया। अब जब इस जब हम क्रोमोसोम को खोलते हैं, तो उसमें तो मैंने कहा 2-3 मीटर लेंथ वाला डीएनए होता है, तो उसमें ये बहुत सारी बॉल्स आपको नजर आती हैं, तो इसका मतलब है हर एक बॉल को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो इसका यह भी मतलब है कि जब हम एक डीएनए मॉलिक्यूल को खोलते हैं क्रोमोसोम से, तो हमें वहां पर ये बहुत सारी बॉल्स नजर आती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम में ऐसी बहुत सारी बॉल्स होती हैं, तो एक क्रोमोसोम में ऐसे बहुत सारी न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, तो वन डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ ए क्रोमोसोम कंटेन्स दीज मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, उसमें बहुत सारे ये न्यूक्लियोसोम मौजूद होते हैं, तो इन बॉल्स को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है।
और इन बॉल्स के दरमियान जो ये आपको थ्रेड लाइक डीएनए मॉलिक्यूल नजर आता है, स्ट्रिंग लाइक, राइट, इनको लिंकर डीएनए का नाम दिया गया, लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए जो डीएनए दो न्यूक्लियोसोम्स को आपस में कनेक्ट करता है, राइट। नाउ दीज बॉल्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम्स, और इन न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जो ये थ्रेड्स हैं, डीएनए है, इसको लिंकर डीएनए कहा जाता है। अब इस हमारे सामने एक और जो सवाल अब आया वो ये था कि ये बॉल्स एक्चुअली केमिकली हैं क्या, व्हाट आर दीज बॉल्स। तो जब इन बॉल्स को देखा गया, यानी कि इन न्यूक्लियोसोम्स के नेचर को, केमिकल नेचर को देखा गया, तो ये पाया गया कि ये न्यूक्लियोसोम जो है, राइट, दीज आर मेड अप ऑफ एमिनो, दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, एट प्रोटीन्स इसमें मौजूद होते हैं, एट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये देखा गया कि हर न्यूक्लियोसोम में आठ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड दोज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन्स, इनको हिस्टोन प्रोटीन्स का नाम दिया गया। नाउ ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, डीएनए का चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है, और इन न्यूक्लियोसोम में मौजूद हिस्टोन प्रोटीन्स का चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। सो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, हिस्टोन्स का चार्ज पॉजिटिव है, डीएनए का चार्ज नेगेटिव है, इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी अट्रैक्शन की वजह से डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो न्यूक्लियोसोम के इर्द गिर्द कॉइल्ड फॉर्म में होता है। तो केमिकली जब ये न्यूक्लियोसोम्स देखा गया, तो दीज न्यूक्लियोसोम, एवरी न्यूक्लियोसोम जो है उसमें देखा गया, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ एट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एंड दोज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन्स। तो बिजायर आठ हिस्टोन प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स जो है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। नाउ दीज हिस्टोन्स, दे आर ऑफ फाइव टाइप्स, पांच किस्म के हिस्टोन्स होते हैं, हिस्टोन H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, एक दो तीन चार पांच, पांच किस्म के हिस्टोन प्रोटीन्स देखे गए इन न्यूक्लियोसोम्स में, H1, H2A, H2B, H3 और H4, ये पांच किस्म के हिस्टोन्स हैं। जब न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर देखा गया, तो ये देखा गया कि इस न्यूक्लियोसोम में इन पांच प्रोटीन्स में से बेसिकली देयर आर फोर प्रोटीन्स, H2A, H2B, H3 एंड H4, राइट। इस H2 के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2A के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2B के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, H3 के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, H4 के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कुल मिलाकर ये आठ मॉलिक्यूल्स हो गए, जो ये आठ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इस एक न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होते हैं। तो एक न्यूक्लियोसोम में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, या हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, उनकी तादाद जो होती है वो आठ होती है, राइट, जिसमें से H2A जो है वो दो होते हैं, H2B दो होते हैं, H3 दो होते हैं, H4 दो होते हैं। तो ये चार मिलाकर, इन चार प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, इन चारों के दो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो कुल मिलाकर आठ प्रोटीन्स बनते हैं। दैट्स व्हाई दिस न्यूक्लियोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्टामर, इसको ऑक्टामर कहते हैं, यानी कि आठ मॉलिक्यूल्स का बना हुआ, या उसको कोर भी कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम कोर इसको कहा जाता है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम कोर, इट्स आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम कोर। तो बजाय एक न्यूक्लियोसोम जो है, ये हमें इसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, अब हम थोड़ा और देखते हैं कि ये एक्चुअली न्यूक्लियोसोम्स दिखते कैसे हैं, ये न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं बॉल्स, ये दिखते कैसे हैं, क्योंकि इन्हीं न्यूक्लियोसोम्स के इर्द गिर्द डीएनए जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में मौजूद होता है, राइट। तो चूंकि हमने कहा कि हर एक न्यूक्लियोसोम में आठ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें से H2A जो है उसके दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2E के दो मॉलिक्यूल्स, आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियोसोम, मैं एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट मिले कि न्यूक्लियोसोम्स बेसिकली केमिकली कैसे होते हैं और कैसे अरेंज होते हैं। तो H2A हिस्टोन मॉलिक्यूल, H2A हिस्टोन मॉलिक्यूल, ये दो होते हैं। इसी तरह से
एच थ्री और एच थ्री जो है वो दो होते हैं, एच फोर और एच फोर जो होते हैं वो दो होते हैं। इसी तरह से एच फाइव जो होते हैं वो दो होते हैं। तो ये हो गए एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, तो आठ मॉलिक्यूल हिस्टोन्स के होते हैं, जिसमें से H2A दो होते हैं, H3 और H3 जो है वो दो होते हैं, इसी तरह से H4 और H4 दो होते हैं, H5 और H5 दो होते हैं। तो कुल मिलाकर ये बन गए आठ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, जिसको हम ऑक्टमर कहते हैं या जिसको न्यूक्लियोसोम कोर कहा जाता है। नाउ इसी कोर के इर्द गिर्द डीएनए जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में होता है। ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये इस तरह से डीएनए मॉलिक्यूल यहां से आता है डबल हेलिक्स फॉर्म में, ये यहां से इस तरह से जो है इसके इर्द गिर्द ऐसे घूम जाता है और यहां से जो है आकर यहां से ये फिर वापस निकलता है इस तरह से। इस तरह से ये डीएनए मॉलिक्यूल इस न्यूक्लियोसोम कोर के इर्द गिर्द ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो अब ये न्यूक्लियोसोम कंप्लीट हो जाता है कि जिसमें आठ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टमर या न्यूक्लियोसोम कोर, और उसके इर्द गिर्द ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसमें जो है दो फोल्ड्स बन जाते हैं कॉइल, यहां से डीएनए मॉलिक्यूल आता है वो फोल्ड करता है और फिर यहां से बाहर निकलता है। और इसकी जब हम लेंथ देखते हैं दैट कम्स आउट टू बी 11 नैनोमीटर। तो एक न्यूक्लियोसोम की हाइट जो होती है हाइट दैट इज 11 नैनोमीटर, और इस एक न्यूक्लियोसोम की लेंथ जो होती है इसकी लेंथ जो होती है दैट इज 5.5 नैनोमीटर। तो लेंथ जो इसकी होती है 5.5 नैनोमीटर एक न्यूक्लियोसोम की, और इसकी हाइट जो होती है दैट्स 11 नैनोमीटर्स। तो इस तरह से डीएनए जो है ये इस न्यूक्लियोसोम ऑक्टमर और न्यूक्लियोसोम कोर के इर्द गिर्द जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में होता है, राइट। नाउ देयर इज अनदर हिस्टोन प्रोटीन दैट्स H1, जिसको हम यहां न्यूक्लियोसोम कोर के अंदर नहीं देखते हैं। न्यूक्लियोसोम कोर के अंदर ये H1 जो है वो मौजूद नहीं होता है, बल्कि ये H1 जो है ये न्यूक्लियोसोम कोर के बाहर होता है यहां पर इस तरह से, दिस इज H1। तो ये H1 हिस्टोन प्रोटीन जो है राइट, ये इस न्यूक्लियोसोम कोर में का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि न्यूक्लियोसोम कोर के से बाहर होता है। और H1 जो हिस्टोन प्रोटीन है ये क्या काम करता है, ये इन दो मॉलिक्यूल्स ये डीएनए स्ट्रैंड्स जो होती हैं इस न्यूक्लियोसोम के इर्द गिर्द जब ये डीएनए अंदर दाखिल होता है वो, और जब ये डीएनए बाहर निकलता है ये इन दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड करता है, अटैच करता है, ताकि ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये इस हिस्टोन कोर के इर्द गिर्द पूरी तरह जो है बाइंड हो जाए, टाइटली बाइंड हो जाए, ये स्लिप ना कर जाए इसके ऊपर। तो लिंकर डीएनए जो है ये H1 हिस्टोन जो है ये हेल्प करता है डीएनए मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड करने का, डीएनए स्ट्रैंड को आपस में बाइंड करने का, सो दैट कि इस हिस्टोन ऑक्टमर के ऊपर डीएनए की कॉइलिंग जो है वो टाइट रहे। तो ये टाइटनेस के लिए है H1। तो इस तरह से एक न्यूक्लियोसोम जो है वो कुछ इस तरह जो है उसका स्ट्रक्चर होता है। यहां से ये डीएनए मॉलिक्यूल निकलता है और ये फिर दोबारा एक नए न्यूक्लियोसोम के इर्द गिर्द इसकी कॉइलिंग जो है वो हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह से इसकी कॉइलिंग हो जाती है इस तरह से, राइट। और यहां से फिर ये वापस निकलता है कॉइलिंग करके, और यहां H1 होता है, फिर ये फिर मोड़ता है, यहां फिर एक न्यूक्लियोसोम कोर एक और होता है, फिर ये इसके इर्द गिर्द कॉइलिंग करता है, फिर निकलता है। तो इस तरह से एक डीएनए मॉलिक्यूल जिसकी लेंथ 2 से 3 मीटर तक हो सकती है वो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स के इर्द गिर्द इस डीएनए की कॉइलिंग हो जाती है, राइट। तो ये प्राइमरी कॉइलिंग हो जाती है। उसके बाद
इस न्यूक्लियोसोम की मजीद कॉइलिंग हो जाती है, राइट, इसकी फिर से सुपर कॉइलिंग हो जाती है, और फिर से कॉइलिंग होने की वजह से ये इसकी थिकनेस जो बन जाती है वो 30 नैनोमीटर बन जाती है, जिसको हम सोलिनोइड कहते हैं, राइट। उसके बाद जो है इसकी मजीद और कॉइलिंग हो जाती है, ये 200 नैनोमीटर हो जाता है या 300 नैनोमीटर हो जाता है, इसको क्रोमैटिन फाइबर फिर कहा जाता है, इसको क्रोमैटिन फाइबर फिर कहा जाता है। फिर से कॉइलिंग होती है और मजीद कॉइलिंग होती है, ये 700 नैनोमीटर बन जाता है क्रोमैटिन, और फिर से कॉइलिंग हो जाती है, फिर से कॉइलिंग हो जाती है, और कॉइलिंग होते होते इस डीएनए मॉलिक्यूल और हिस्टोन मॉलिक्यूल्स की लेंथ को मिलाकर जो है वो 1400 नैनोमीटर हो जाती है, जो कि फिर क्रोमोसोम की शक्ल ले लेता है। तो जब इतनी कॉइलिंग हो जाती है, पहले डीएनए मॉलिक्यूल्स की कॉइलिंग होती है न्यूक्लियोसोम्स के इर्द गिर्द, फिर न्यूक्लियोसोम्स की आपस में कॉइलिंग होती है, फिर से कॉइलिंग होती है, ये कॉइलिंग तब तक चलती रहती है जब तक इतनी सुपर कॉइलिंग हो जाती है कि इस पूरे डीएनए मॉलिक्यूल और प्रोटीन्स की थिकनेस जो है वो 1400 नैनोमीटर तक पहुंच जाती है, और जब इनकी कॉइलिंग की वजह से 1400 नैनोमीटर थिकनेस पहुंच जाती है, तब जाकर क्रोमोसोम जो है वो वजूद में आ जाता है, और इस तरह से इतना लंबा डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो इन हिस्टोन प्रोटीन्स की मदद से जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक बात जो आप याद रखेंगे कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है, मैंने आपको कहा ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और हिस्टोन प्रोटीन्स में दो अमीनो एसिड जो है वो सबसे ज्यादा जो इसमें पाए जाते हैं, वन इज लाइसिन, अनदर इज आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये दो अमीनो एसिड्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स, जो हिस्टोन प्रोटीन्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, राइट। तो ये तो होगी जो है इस न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नाउ जब हम क्रोमोसोम देखते हैं, तो क्रोमोसोम्स जो है, क्योंकि ये कॉइलिंग होती है, अब डीएनए की कॉइलिंग जो है या सुपर कॉइलिंग जो होती है इनकी न्यूक्लियोसोम्स की मदद से, वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। कहीं पर डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा उसमें कॉइलिंग होती है, कहीं पर उसकी कॉइलिंग कम होती है। तो कॉइलिंग के हिसाब से डीएनए मॉलिक्यूल जो हैं वो दो किस्म के हैं, एक जिसको हम कहते हैं यू क्रोमैटिन जो है ये क्रोमोसोम्स का वो हिस्सा है वायर डीएनए इज लेस कॉइल्ड, राइट। डीएनए मॉलिक्यूल जो है क्रोमोसोम्स में किसी किसी जगह पर डीएनए मॉलिक्यूल की कॉइलिंग ज्यादा नहीं होती है, उस जगह पर हम डीएनए को यूक्रोमैटिन कहते हैं। और जब हम स्टेनिंग करते हैं, राइट, इट स्टेन्स लाइटली, जब हम स्टेनिंग करते हैं, कलरेशन, कलर करते हैं, तब इस जगह पर डीएनए क्रोमोसोम जो है वहां पर डीएनए की ज्यादा, जो कि कॉइलिंग ज्यादा नहीं होती है, तो ये यहां पर ज्यादा स्टेन्स भी नहीं लेता है, तो ये लाइटली स्टेन हो जाता है। और जब हम एक्टिवनेस की बात करें, राइट, इट इज, जो क्रोमैटिन होता है, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। जो यूक्रोमैटिन होता है वो एक्टिव डीएनए होता है, राइट। दूसरा टाइप जो हमें क्रोमोसोम में नजर आता है, ऐसी जगह जहां पर डीएनए जो है वो डेंसली कॉइल्ड होता है, उनको हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन जो है ये क्रोमोसोम में वो जगह है वहां जहां पर डीएनए इज लेस कॉइल्ड, सॉरी, where DNA is densely coiled का मतलब है वहां पर कॉइलिंग डीएनए की ज्यादा होती है, तो उस जगह को, उस डीएनए को हम हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। क्योंकि यहां पर कॉइलिंग हेटेरोक्रोमैटिन की ज्यादा होती है, जब हम स्टेन्स करते हैं तो इसकी, इट स्टेन्स डार्क, इसकी स्टेनिंग ज्यादा होती है उस जगह पर, हेटेरोक्रोमैटिन ज्यादा स्टेन पकड़ता है तो डार्क स्टेन होता है, और हेटेरोक्रोमैटिन जो है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है,
इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव डीएनए। हेटेरोक्रोमैटिन क्रोमोसोम का वो हिस्सा होता है जहां पर डीएनए जो है वो ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। तो यूक्रोमैटिन जो है वो एक्टिव डीएनए उसमें वहां पर होता है क्रोमोसोम में, और हेटेरोक्रोमैटिन क्रोमोसोम की वो जगह है जहां पर डीएनए डेंसली कॉइल्ड होता है, और वहां पर डीएनए जो है वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, वो इनएक्टिव होता है। राइट ओके, तो ये हो गया अबाउट द न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट, जहां पर हमने ये पढ़ा कि न्यूक्लियोसोम जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल को जो है कॉइल्ड फॉर्म में क्रोमोसोम हेल्प करता है क्रोमोसोम बनाने में। न्यूक्लियोसोम की वजह से ही डीएनए की कॉइलिंग होती है, और इन्हीं की वजह से डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो कॉइलिंग की मदद से क्रोमोसोम में तब्दील हो जाता है। नाउ हिस्टोन्स के अलावा एक और किस्म के प्रोटीन्स जो क्रोमोसोम्स में देखे जाते हैं या कम से कम न्यूक्लियस में देखे जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। दे आर कॉल्ड एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं राइट, ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो डायरेक्टली डीएनए कॉइलिंग में हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि इनका जो जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स ये भी प्ले करते हैं राइट, एज फार एज डीएनए इज कंसर्न्ड, डीएनए पैकेजिंग इज कंसर्न्ड, और जीन रेगुलेशन इज कंसर्न्ड। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं दे आर रिच इन एमिनो एसिड टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, एंड ट्रिप्टोफैन। जिस तरह से हमने पढ़ा कि हिस्टोन प्रोटीन्स में लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड ज्यादा होते हैं, नॉन हिस्टोन्स में टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड ज्यादा होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो हैं ये तीन किस्म के हैं राइट, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो हैं ये तीन किस्म के हैं। वन इज स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, सेकेंड इज एंजाइमेटिक नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, एंड थर्ड इज रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो क्रोमोसोम्स के में देखे जाते हैं या न्यूक्लियस में देखे जाते हैं, दीज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर दोज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, विच हेल्प इन द दिस कॉइलिंग ऑफ डीएनए। ये हिस्टोन प्रोटीन्स के अलावा भी कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो हैं वो डीएनए की कॉइलिंग में हेल्प करते हैं, तो ऐसे नॉन हिस्टोन्स को स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो हैं न्यूक्लियस के अंदर ये वो एंजाइम का काम करते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज है वगैरह वगैरह जो रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, तो ऐसे एंजाइम्स को, ऐसे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को एंजाइमेटिक नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कहा जाता है। एंड देन वी हैव रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर दोज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स विच हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्टिविटी। ये जीन एक्टिविटी में हेल्प करते हैं रेगुलेट करने में, जीन को कब एक्टिव करना है कब उनको इनएक्टिव करना है, तो दैट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्टिविटी, उसमें ये कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे आर कॉल्ड एज रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स राइट। तो इन दिस वे दिस इज हाउ ए लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ द लेंथ ऑफ 2 to 3 meters इज कॉइल्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, एंड देन दैट न्यूक्लियोसोम कॉइल्स फर्दर टू फॉर्म what we call as chromosomes. Thank you very much.